रायपुर पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। मूणत कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया है, जनता ने इस बार कांग्रेस को बदलने का मन बना लिया है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। पश्चिम से प्रत्याशी राजेश मूणत का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो अपने विधानसभा क्षेत्र में राजेश मूणत लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो समर्थन है वो काफी यहाँ पर लोगों का मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जगह जगह जो है स्वागत हो रहा है और जोर शोर से प्रचार चल रहा है। हमारे साथ प्रत्याशी राजेश मूणत है, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जिस प्रकार से पश्चिम ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो 5 साल के कार्यकाल है, पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट रुक गया, अवैध व्यापारों का खुले आम चलन हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और जनता के मन में ये बात आ गया, बदलबो बदलबो, ये दारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ला बदलबो। लोगों के मन में ये विश्वास हो गया, ये कांग्रेस पार्टी ने 5 साल छत्तीसगढ़ के प्रगति के कार्य को रोकने का काम किया, गुंडागर्दी गली मोहल्ले में बढ़ गई, दारू गांजा शराब चरस ये आम मोहल्ले में बिकने लगा खुले आम, और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, और गुंडों के इतने हौसले बन गए कि अगर जो कोई कंप्लेंट करने जाता है तो पुलिस वाला उनको उल्टा डांटता है, उनके खिलाफ में केस बनाता है और गुंडे लोग खुलेआम घूमते रहते हैं। यह लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई के लिए हम मैदान में निकले। ये रायपुर पश्चिम प्रत्याशी राजेश मूणत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जो लोगों का समर्थन है वो भाजपा को मिल रहा है और रायपुर पश्चिम से अपनी जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन अंकित के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS News, रायपुर।